सो हे गाइस, वेलकम बैक माय साइंस ओपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पार्ट 5 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। इससे पहले हम आज की क्लास की बात करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ आप माई साइंस ओपीडिया को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह साइंसोपीडिया मौजूद है। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी एवरीडे लाइफ में। अब इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने पहले पढ़ लिया है, जिसने वीडियोज नहीं देखी है जाकर देख लेना। अब सबसे पहले यहां पर हम इफेक्ट्स की बात करें तो दो तरह के इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी। अब सबसे पहले हम कोरोजन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम मेटल्स को, हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को खुले में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस पर एक रेडिश ब्राउन परत चढ़ जाती है। जब बरसात के मौसम होता है, जब मॉइस्ट एयर ज़्यादा होती है, वाटर वेपर हवा में ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा ये होता है। क्या होता है, हमारी जो मेटल की सरफेस है उस पर क्या होता है, उस पर कोटिंग चढ़ जाती है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है, इसी को हम क्रोजन कहते हैं। अब सिर्फ हम आयरन की बात नहीं करते हैं, अगर सिल्वर की बात करें तो वो ब्लैकिश हो जाता है, अगर हम कॉपर की बात करें तो वो ग्रीनिश हो जाता है। तो एक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं क्रोजन। अब क्रोजन जो है ये क्या होता है, इससे होता क्या है एक्चुअल में, क्रोजन जो है ये उस सरफेस को, उस मेटल को आहिस्ता 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 ख़त्म करता है। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी परत जो है बनाएगा, वो परत निकलेगी, फिर दूसरी परत बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता मेटल जो है, एक तरह से हम कहेंगे मेटल में सड़न हो जाती है, वो मेटल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि हमारे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। जैसे हमारी रेलिंग्स हैं, जैसे हमारे ब्रिजेस होते हैं, जैसे हमारे कार की बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे शिप्स हैं, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, अगर हम उनको इस क्रोजन से नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम क्रोजन की डेफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, वाटर वेपर्स एंड केमिकल प्रेजेंट इन एयर। क्रोजन होता है स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सड़ने लगते हैं मेटल। मेटल का सड़ना मतलब वहाँ पर एक लेयर बन जाती है जो निकलती है, फिर दूसरी बनती है, फिर मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो जंग से, उसको हम जंग कहते हैं क्रोजन को, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, मेटल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्रोजन से हम बच कैसे सकते हैं। हम बच सकते हैं, मैंने कहा कि सरफेस जब कंटेक्ट में आती है हवा के, मॉइस्ट एयर के, केमिकल्स के, तो तब क्रोजन होती है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हवा का कंटेक्ट उस सरफेस से काट लेंगे। हम इसको बचा सकते हैं, क्रोजन को हम बचा सकते हैं बाई कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। मैंने यहाँ वही चीज़ लिखी है, क्रोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स, इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। इसको हम इन तरीकों से कर सकते हैं। घर में हमारे गेट लगे होते हैं सबके घर में गेट, तो गेट को क्या किया जाता है, पैंट किया जाता है। लोहे के गेट होते हैं तो उनको पैंट किया जाता है। अगर पैंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो जाता है उनका कलर, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता गेट टूटने लगता है, क्योंकि क्या होता है, क्रोजन से जंग लगने से वो ख़राब हो जाता है। हम उस पर पैंट करते हैं, क्यों, ताकि क्रोजन ना हो, जंग ना लगे। घर में टीन लगाते हैं तो टीन के ऊपर भी पैंट मार दिया जाता है, आजकल पैंट टीन आ रही है, क्यों, ताकि क्रोजन से बची रहे और ज़्यादा टाइम तक वो ख़राब ना हो, ज़्यादा टाइम निकाले। हमारे पास हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग से भी क्या होता है, हवा के साथ कंटेक्ट में नहीं आता है मेटल सरफेस, जिससे क्रोजन नहीं होता है। ऑयलिंग, हम ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल से भी सेम चीज़ होती है, कंटेक्ट में नहीं आता है सरफेस, मेटालिक सरफेस, जिससे क्रोजन नहीं होता है। उसके बाद हम गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे, तो इससे क्या होता है, जिंक लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, क्रोजन उस पर नहीं होता है। या हम अलॉयज बना सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील है, ये एक अलॉय है कार्बन और आयरन का, तो अलॉयज जो होते हैं ये भी, अलॉयज बनाना भी हमारे पास क्रोजन से बचने का एक तरीका है। जब हम अलॉय बना देंगे तो क्या होगा, वो
करोजन उस पर नहीं होती, जैसे हम स्टेनलेस स्टील वाले चाकू होते हैं हमारे इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये अलॉय है और इसमें करोजन नहीं होता, ये लेस रिएक्टिव है, इसमें करोजन नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई करोजन ऑफ मेटल्स की। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में कि रेंसिडिटी क्या होता है, इससे क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अब दूसरा इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर हमारा खाना जो है या खाने वाले आइटम्स जो हैं, फूड मटेरियल्स जो हैं, इनको हम वार्म प्लेस पे रखते हैं या इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या इनको हम कंटेक्ट ऑफ एयर में रखते हैं, तो क्या होता है, इनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, ये खाने के लायक नहीं रहते, इनमें स्मेल आती है और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटीरियल्स रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये टेस्ट और स्मेल कैसे चेंज होती है, इसमें जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं हमारे जो फूड मटीरियल्स हैं उसमें जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं उनकी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, इनका स्मेल और इनका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। अब रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेंसिडिटी जो है होती है कंटेक्ट ऑफ एयर में आने से, डायरेक्ट सनलाइट में रखने से और वार्म प्लेस पर रखने से, तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमने एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को स्टोर करना है। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि एयर के कंटेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब एयर टाइट कंटेनर होंगे तो कम ऑक्सीजन होगी उस कंटेनर में, यानी एक्सपोजर टू ऑक्सीजन फूड आइटम का कम होगा, यानी फूड आइटम कम ऑक्सीजन से एक्सपोज होगी तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन कम होगी, स्लो डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। दूसरी चीज़ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन का मतलब हमने फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में रखना है, इससे क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाने से ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है, जिससे हमारा खाना जो है वो तबाह नहीं होता है। तीसरी चीज़ पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स इन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। आपने देखा होगा बाजार में जाते हैं पोटैटो वेफर्स आते हैं ना, चिप्स, वो उनके उस पैकेट में हवा रहती है, वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसको उन पैकेट्स में डाला जाता है ताकि वो फ्रेश रहे, जो चिप्स हैं वो दूसरे फूड मटेरियल हैं जो पैकेट्स में रखे जाते हैं वो फ्रेश रहें, इसीलिए नाइट्रोजन डाली जाती है क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है और ये रिएक्ट नहीं करती है। अगली चीज़ अवॉइड कीपिंग फूड एंड फूड मटीरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट। हमने डायरेक्ट सनलाइट में फूड मटेरियल्स को रखने से बचना है, यानी डायरेक्ट सनलाइट में फूड मटेरियल्स को नहीं रखना है, इससे भी ऑक्सीडेशन कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो अगला है बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी मींस अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देते हैं, ऐसे केमिकल्स हम फूड आइटम्स में डाल सकते हैं, जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन है, इसको हम जब डालते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुक जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही हैं, दीज आर केमिकल्स विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो आपको समझ आ गया होगा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।